भारत का एक लौता द्वीप वैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। 3 किलोमीटर चौड़ा 2 किलोमीटर गड्ढा का यह ज्वालामुखी भूगर्भ ज्ञान के साथ पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह सक्रिय ज्वालामुखी कब विनाशकारी रूप ले किसी को नहीं पता। इस पर कोई भी जीव जंतु संभव नहीं है, फिर भी पर्यटक अपने आप को रोक नहीं पाते। इसे देखने के लिए सी प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके चारों तरफ समुद्री जल जिसमें रोमांचकारी स्कूबा ड्राइविंग का मजा लेते हैं। फ्रेंड्स, वैरन द्वीप समूह भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। इस राज्य में कुल 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें कुछ ही आइलैंड्स पर लोग रहते हैं। आइए जानते हैं इस आइलैंड्स के बारे में। यह भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इस आइलैंड्स के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इस राज्य की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसकी कुल क्षेत्रफल 8,249 किलोमीटर स्क्वायर है। इस आइलैंड पर कुल जनसंख्या लगभग 380,000 से भी ज्यादा है। यहाँ का ऑफिशियली लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, जबकि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। फ्रेंड्स, जहाँ सामान्य तापमान हो, हरे भरे पेड़ों की हरियाली के साथ आइलैंड्स के बीचों पर मस्ती का मंजर देखने को मिले, वहाँ भला कौन नहीं जाना चाहेगा। जीवन मस्ती भरा हो, सारे गम भूल जाए, एक दूसरे के दिलों में अपने जीवन की नैया को खेते घंटों बिता दें और समय का पता तक नहीं चले, वो जगह स्वर्ग ही तो है। बीचों के सैर सपाटा के साथ कई रिसोर्ट जिसमें व्यंजनों की प्रचुर वैरायटी हो, समुद्री जीवों को भी पर्यटकों से लगाव हो जाता है। पर यहाँ इस आइलैंड समूह में कुछ आइलैंड ऐसा भी है जहाँ के लोगों को हम आम इंसानों से नफरत। ये लोग अलग ही दुनिया बना रखा है। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे हम आदि मानव के युग में वापस आ गए। जंगली जानवरों का शिकार कर खाना पीना, बिना कपड़ों का रहना, ये सभी बातें हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था। पर इस आइलैंड के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर आप हकीकत से रूबरू हो पाएंगे। ये लोग हम लोगों से काफी डरते हैं, यही कारण है ये अपने बचाव में इंसानों को देखते ही अपना तीर धनुष से घायल कर मार देते हैं। ये आइलैंड काफी रोमांचकारी के साथ ऐतिहासिक कारनामों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अंग्रेजों ने सेलुलर जेल बनाया था, जिसमें ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो भारतीय जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे उन्हें उसी जेल में काले पानी की सजा दी जाती थी। जो भी भारतीय सेनानी को काले पानी की सजा होती वो फांसी पर लटक जाना बेहतर समझते थे, पर सेलुलर जेल में जाना नहीं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों को कैसे तड़पा तड़पा के लोगों को मारता था। फ्रेंड्स, यहाँ का राजकीय पशु समुद्री डुगोंग है, जिसे समुद्री गाय भी बोला जाता है। यह शाकाहारी समुद्री जीव 300 किलोग्राम तक होता है और इंसानों की तरह 60 साल से 65 साल तक जीवित होता है। इस आइलैंड को दुनिया के सबसे छोटे और सबसे बड़े कछुओं का निवास स्थल भी माना जाता है। यहाँ का कोकोनट केकड़ा काफी बड़े आकार का होता है। इस आइलैंड की सुंदरता भारत के कोने कोने तक पहुँचा है, फिर भी लोग इससे अनजान है। फ्रेंड्स, इस 20 रुपए के नोट पर जो आकृति छपी है वो अंडमान और निकोबार का ही तो है। यहाँ का निकोबारी नृत्य और अंडमानी नृत्य काफी फेमस है। अंडमान और निकोबार दोनों एक दूसरे से अलग है। यहाँ का सुअर महोत्सव जो अपने पूर्वजों के लिए ये लोग मनाते हैं, काफी मदमस्त होकर अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ घूमने के लिए अगस्त से अक्टूबर माह सबसे बेहतर माना जाता है। पूरे भारत का कल्चर और इंसान की मानव दर्शिता मिनी भारत का प्रमाण देता है यहाँ, इसीलिए ये जगह भारत के लिए सबसे खास जगह माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप वहाँ गए हो तो कॉमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।